सेना जवान कोले शिशु रेखे भोट दिलें मा সেই ভাইরাল সিআরপিএফ জওয়ানকে সংবর্ধিত করলেন পুলিশ সুপার। বাংলা একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন সিআরপিএফ এর 124 নম্বর ইকো ব্যাটালিয়নের হেড কনস্টেবল মন্টু বড়। তার বাড়ি আসামের বরপেটা জেলায়। লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে শুক্রবার মন্টু বড় নামের সিআরপিএফ জওয়ান উত্তর ত্রিপুরা জেলার 57 নম্বর যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 33 নম্বর পোলিং স্টেশনের উপতাখালী পঞ্চায়েত অফিসে কর্তব্য পালন করছিলেন। তার ডিউটি চলাকালীন মহিলাদের দীর্ঘ লাইন ছিল। তার মধ্যে এক মহিলা ছোট্ট একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ভোট দিতে আসেন। মহিলা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে কোলে শিশুকে নিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। এই অবস্থায় সিআরপিএফ জওয়ান মন্টু বড় এগিয়ে এসে ওই মহিলাকে বলেন শিশুটিকে তার কোলে দিতে। তখন শিশুটির মা তার বাচ্চাকে মন্টু বড়র কোলে তুলে দিলে তিনি এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে শিশুটিকে নিয়ে ঘুম পাড়ান। প্রায় 5.5 মিনিট কোলে রাখার পর শিশুটির মা ভোট দিয়ে ফের তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। এদিকে সিআরপিএফ জওয়ানের কোলে ঘুমন্ত শিশুর ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দিলে ব্যাপকভাবে তা ভাইরাল হয়ে পড়ে। তাতে জওয়ানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। এমনকি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল সহ খবর কাগজের প্রথম পাতায় ছবিটি ছাপাও হয়। এই খবর পেয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী খোঁজ খবর নিয়ে ওই সিআরপিএফ জওয়ানের এমন মানবিক আচরণ দেখে তিনি তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খবর দেন সিআরপিএফ এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। শনিবার পুলিশ সুপার অফিসে কনফারেন্স হলে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্টু বড়কে সংবর্ধনা জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে 2,500 টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন সিআরপিএফ এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। नॉर्थ त्रिपुरा में जो सेकंड फेज सिलेक्शन हुआ था, तो हमारा डिप्लॉय था 57/33 उपटाखली पंचायत ऑफिस है, उसमें डिप्लॉय था। तो लगभग तो बहुत शुरू हो गया था, तो ऐसे हमारा ड्यूटी जो है, मैं हमने तो करके आई था सबको। तो फिर ऐसे लाइनिंग में जो मैं एंट्री गेट में खा रहा था, तो ऐसे लाइनिंग में जो एक महिला जो हमारा वोटर है वो आया था वोट देने के लिए। तो जैसे पहुंचने वाला था, एंट्री होने वाला था, तो बच्चा गोद में था उसका। तो मैंने बोला कि मैम आप अच्छा आपके देने के लिए। हाँ हाँ, तो मैंने लिया और जैसे वोट उन्होंने दे के आउट मतलब बाहर हो गया, तो मैंने फिर हैदराबाद कर दिया। कितने टाइम तक था आपके पास? हमारे पास तो लगभग 4.5 मिनट के करीब होगा। मतलब जब तक आप महिला जो है वोट नहीं डाल हाँ, वोट नहीं डाला तब तक था मैं एक्चुअली। मेरा सर असम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। पिताजी का नाम लेते हैं राजन बोरो। कौन से बैटलियन से? मैं सर 126 बैटलियन इको कंपनी सीआरपीएफ। जो जवान लोग है उन लोगों को मैंने वेलकम करता हूँ इधर। और आप लोगों को सबको जानकारी है, यस्टरडे जो पुलिंग हुआ था इधर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 124 बैटालियन का ये जो वीर चार जवान इधर हम लोगों का सामने बैठा हुआ है, तो दे वर डिप्लॉयड इन उपताखली पंचायत ऑफिस। तो पुलिस का काम क्या है, सीआरपीएफ का जो काम है, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों का। नंबर वन है ईवीएम का सिक्योरिटी, पुलिंग स्टाफ का जो सिक्योरिटी, उसके बाद जो बोगस वोटर होता है, पुलिंग स्टेशन में कोई अनफेयर एक्टिविटी ना हो, तो ये थोड़ा देखना है। तो ये तो उन लोगों का जो रूटीन ड्यूटी होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट रूटीन ड्यूटी ऑल्सो one lady she went to the polling booth along with her baby, so or kal ka jo ye tha atmosphere bhi bilkul
बहुत सारा दुख। तो इसमें है हेड कॉन्स्टेबल मंटू बोरू ऑफ 124 बटालियन सीआरपीएफ, ये आप लोगों का सामने है। तो बहुत अच्छा काम किया दैट लेडी, उनको उनको गुद में ले लिया और उनको बता दिया जो आप थोड़ा अंदर में जाके बूट डाल के आ जाइए। तो बेबी को भी थोड़ा कंफर्ट मिल गया और जो लेडी गया अंदर में बूट करने के लिए उनको भी थोड़ा कंफर्ट आ गया जो हमारा जो बेबी को मैंने जो छोड़ के आया ये सही सलामत है, अच्छा जगह में हम लोग छोड़ के आया, सिक्योरिटी के फोर्स के पास छोड़ के आया। तो ये जो इतना जो अच्छा एक ह्यूमैनिटेरियन काम किया, इस काम के लिए त्रिपुरा प्रदेश का तरफ से मैं हेड कॉन्स्टेबल मंटू बोरो को अभी फेलिसिटेट करेंगे इधर। इसका जो उद्देश्य मकसद ये है, ये जितना तक तो फैलेगा आप लोगों का मानदव से, आप लोग भी इधर है प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हम लोगों का क्या काम है आप लोग को पता है। और ये जो काम किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया ये थोड़ा पब्लिसाइज भी होना चाहिए।